जरूर होगी, लेकिन आज से ही सर हम 2-3 साल पहले पीछे चले जाएं तो जब हम शोज कर रहे थे, आपको याद है बिग सर, वीडियो का मेन हिस्सा देखने के लिए आप वीडियो सीधा 1 मिनट स्किप करके स्टार्ट करें और सीधे वीडियो के मेन भाग पर पहुंचे। दोस्तों इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया डिस्कस कर रहा है IPL 2020 के बारे में। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया के बड़े क्रिकेटर जिन्होंने भारत में काफ़ी काम किया है, IPL में बहुत सारी कमेंट्री की है, स्टार स्पोर्ट के साथ काफ़ी काम किया है शोएब अख्तर, उन्होंने बोला है BCCI IPL की वजह से सारी दुनिया की क्रिकेट को तबाह कर रहा है, BCCI ने T20 वर्ल्ड कप पोस्टपोन कराया IPL की वजह से, ऐसा शोएब अख्तर का आरोप है। शोएब अख्तर ने यह भी बोला है कि BCCI अपनी धौंस दुनिया क्रिकेट में चला रहा है और उसने T20 वर्ल्ड कप इसलिए पोस्टपोन कराया क्योंकि उनका प्रॉफिट हो सके, IPL हो सके। हालांकि ये वही शोएब अख्तर हैं, अगर इनको ऑफर मिले तो ये एक टांग पे UAE पहुंच जाए IPL में कमेंट्री करने के लिए, IPL में काम करने के लिए। IPL में इन्होंने एक बार बोला था कि मुझे KKR का कोच बना दो शाहरुख खान, ऐसा इन्होंने बोला भी था कि मुझे KKR का बॉलिंग कोच बनना है, और यही शोएब अख्तर कोई ऑफर नहीं इन्हें मिला तो ये अपने पाकिस्तानी मीडिया में ऐसा बोल रहे हैं। दोस्तों चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी फेवरेट टीम का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, आपकी IPL में फेवरेट टीम कौन सी है। वैसे मेरी टीम है CSK एंड RCB। इसके अंदर जब ये सब मिलके काम करते हैं, काम करते नहीं, काम उतारा जाता है, तो ये एशिया कप का काम हो या ICC का वर्ल्ड कप का हो, ये उतारा गया है, ये सब मिले हुए आपस में, वरना कोई ऐसा नहीं था कि वर्ल्ड कप ये जिस तरह डॉक्टर ने कहा था एशिया कप हो सकता था, लेकिन पहले ही अनाउंस कर दिया सौरभ गांगुली ने। वो BCCI का प्रेसिडेंट है, वो रिपोर्टर नहीं है, हमारी तरह नहीं है, वो प्रेसिडेंट है, वो मीडिया पे अगर पहले ही आके बोल दे तो इंटेंट आपको मालूम चल जाएगी। तो BCCI का प्रेसिडेंट होना, जिस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं, BCCI का बड़ा नाम है, लेकिन वो रिपोर्टिंग करेगा तो आपको अंदाजा हो जाता है कि अकेले का काम नहीं, उसको पहले ही से, चाहे मानी साहब ने बोला या श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने बोला, ये पहले ही से प्लान था पूरा। अच्छा सर, ये आपकी बात तो शहजाद, एक और चीज इसमें ध्यान में रखना कि IPL में जो प्लेयर्स खेलने आते हैं ना, जो फॉरेन प्लेयर्स आते हैं, जो फॉरेन कास्ट आती है, उसकी जो प्राइस होती है ना, उसका 10% पर प्लेयर इंडिविजुअल बोर्ड को मिलता है। तो शायद पाकिस्तान के क्योंकि प्लेयर्स खेल नहीं रहे तो हमें ये इनडायरेक्ट रेवेन्यू नहीं आ रहा, लेकिन बाकी तमाम जो वर्ल्ड क्रिकेट में बोर्ड्स हैं ना, उनको फायदा हो रहा होता है, पर प्लेयर 10% बोर्ड को भी जा रही होती है, उसकी ऑफसेटिंग हो रही होती है, तो ये भी एक इंटरेस्ट है क्रिकेट बोर्ड्स का कि IPL हो। एग्जैक्टली, ये सर आपने बड़ा वैलिड पॉइंट किया, लेकिन राशिद भाई ने जहां बात की, मैं शोएब भाई की तरफ भी बढ़ता हूँ। राशिद भाई, आपने कहा कि ये सब मिलकर ही करते हैं ऐसे ही, या मतलब बोर्ड के अंदर जितने भी लोग बैठे हुए होते हैं तो वो सब आपस में बात करते हैं, लेकिन जहां पे ये डॉक्टर साहब ने पॉइंट रेज किया है कि यार अगर पाकिस्तान के खिलाड़ी IPL में खेलेंगे नहीं तो हमारे बोर्ड को इनसिक्योरिटी तो जरूर होगी, लेकिन आज से ही सर हम 2-3 साल पहले पीछे चले जाएं तो जब हम शोज कर रहे थे, आपको याद है Big 3 की भी बात होती थी, अब तो Big 3 की भी बात नहीं हो रही सर, अब तो सिर्फ BCCI की हो रही है, तो हम हेजमनी तो नहीं क्रिएट करने दे सकते ना सर किसी को, या क्रिकेट को पोलराइज तो नहीं करने दे सकते शोएब भाई। क्या बात है, क्या हेजमनी पोलराइजेशन, ये मतलब हुई नहीं। क्या मतलब, आप नहीं करने देंगे, आप कौन होते हैं भाई। बिल्कुल तो भाई जी, आप अपना घर स्ट्रॉन्ग करें, घर स्ट्रॉन्ग करते आपको जरूरत नहीं थी, लानत भेजते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट पे, नहीं खेले 20-22 साल साउथ अफ्रीकन तो क्या हो गया, मर गए थे। सिंपल एग्जाम्पल आपके सामने थी, बात ये है कि देखे जी, आप जिंदगी जीते इज्जत के लिए, और आपको चार बंदे सलाम इसलिए करते हैं कि आप क्रेडिबल आदमी है, और ये आपका स्टिग्मा होना चाहिए जिंदगी में, आपके ऊपर ये निशानी होनी चाहिए। बात यह है कि देखें, दुनिया में जो भी ताकतवर गुजरा है उसने कभी भी मजलूम का साथ नहीं दिया। Exactly. तो हसन निसार साहब कहते हैं, बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं, कहते हैं यार 800 साल पहले बादशाह इंसाफ नहीं करते थे तो आज की कर देंगे तेरे साथ। तो मेरी बात समझे, वो जूते तब भी आवाम को पड़ रहे थे, वो भूखे नंगे तब भी थे, वो आज भी भूखे नंगे आज भी है बेचारे, वही 90% आवाम जो है ना, राशिद भाई बात ठीक है, ये बेवकूफ बनती आ रही है, बनती रही, इसमें हम जो 5-10% जो लीड निकल आती है हमें से, या जो हम नीचे से ऊपर आ जाते हैं वो ठीक रह जाते हैं, बाकी अल्टीमेटली द पावरफुल मैन और द पावरफुल बोर्ड्स और द गवर्नमेंट्स व्हाटएवर इट इज, दे रन द पॉलिसी एंड दे मेक श्योर कि तुम सफर करो। T20 ये अपना एशिया कप हो सकता था, ऑफकोर्स हो सकता था, कैसे नहीं हो सकता था, हो सकता, ये वाइड चांस था इंडिया पाकिस्तान का एक दूसरे के साथ खेलने का, वो जाया कर दिया गया, और इसके बड़ी रीजन है, इसके पीछे मैं जानना चाहता हूँ। T20 वर्ल्ड कप ऑब्वियसली हो सकता था, लेकिन मैंने पहले ही, मैं और राशिद इस बात पे इत्तफाक कर चुके थे, ये नहीं होने देंगे, ये नहीं होगा भाईजान, 6 महीने गुजरे तो IPL का डैमेज नहीं होना चाहिए, वर्ल्ड कप जाए बाढ़ में। सो अगेन
मैं फिर बार बार देखें, मैं एक सजेशन देता हूँ, गुजारिश नहीं कर, सजेशन दे रहा हूँ, क्रिकेट को आज हिंदुस्तान को चाहिए कि क्रिकेट को बचाए। नहीं बचाता, दैट्स फाइन, इट्स ओके, मेरे इधर को फर्क नहीं पड़ना भाई। मेरा सचिन तेंदुलकर का मैच आज भी याद रहना लोग, मुझे क्या फर्क पड़ना। वसीम अकरम के स्पेल पड़े, मैं यूट्यूब पे जाकर देख लूं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना। फर्क सिर्फ ये पड़ना है, क्वालिटी क्रिकेट आप देखने को नहीं मिलेगी, लोगों के मिलने डॉलर जरूर बन जाएंगे, लेकिन फॉलोइंग क्या रहेगी। मैं जब स्टार स्पोर्ट्स में इटी, व्हाट दे आर लुकिंग इनटू इट, जो पैसा इंटरनेशनल क्रिकेट में जा रहा है वो भी रुक जाए, मजे की दो बड़ी लीगें हों, दो वर्ल्ड कप हो, बस दैट्स इट। मैं आपको बता रहा हूँ, आप बात समझने की कोशिश करें। तो उसमें पैसा आपका लग जाए, उसमें मैक्सिमम टीवी राइट्स आपके निकला है, बात ये जो ड्रामेबाजी लगी हुई है हैं जी, कभी विकेट मेलबर्न में आसानी से बन जाती है, कभी कोई किसी को बंदर कह देता है वो बच जाता है, सीरीज बायकॉट करने की बारी आती है, किधर गए तुम्हारे एथिक्स। मैं स्टेडियम से पूछता हूँ, कहाँ तुम्हारे एथिक्स, कहाँ है तुम्हारे मॉरल्स। एक बॉल, एक क्रिकेट बॉल स्क्रैच करने पे तो उन बच्चों को रुला दिया आपने, हैं जी, उधर बंदर कह के निकल गए, हैं जी, उन्होंने कहा जी सीरीज खत्म, चलो जी काम करो, उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, कोई ऐसा वाकई नहीं हुआ है। ये है आपके मॉरल ग्राउंड्स। माइक पे आवाज नहीं आई, फैंटास्टिक सर, मुझे आवाज नहीं आई यार, आवाज नहीं आई तुम्हें यार। ये सारे ड्रामे ड्रुमे छोड़ो, सीधा कहो हमें पैसा की जरूरत है, पैसे आपको बीसीसीआई से मिलते हैं, वो आप चुप करके लेते जाओ, खाते जाओ, चुप कीते जाओ, बाकी पाकिस्तान बेचारे को भेंटी लग रही, कोई बात नहीं। देखो जब तक हम जैसे लोग अभी है ना, और जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अकल आई, वो विल ब्रिंग द फंड्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट विल ब्रिंग इन टू इट, आई गारंटी यू, आई शो यू, वी विल नॉट लेट दिस बोर्ड स्टाफ, आई प्रोमिस यू राइट नाउ। लेकिन अगर बोर्ड आज अकल के ना खुल ले, हम डोमेस्टिक क्रिकेट को भी उठा सकते हैं, एनसी को भी उठा सकते हैं, हम पंजाब को भी उठा सकते हैं, कराची भी खराब अपना इलाका है, मसला ही नहीं है कराची में, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन अगर बोर्ड अकल के नाखून आज ले, अगर इस तरह सिस्टम आना है बोर्ड में, दैट्स फाइन, वो खेलते रहेंगे आपके साथ, आप क्या कर सकते हैं मैक्सिमम, आप क्या कर सकते हैं, सात बोर्ड उधर है, एक आप अकेले खड़े हैं, क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। उनको चाहिए पैसा, उनको शेयर चाहिए भाई, बिग थ्री का, बिग थ्री वाले चुप करके पैसे ले लेते हैं, बाकी जो हैं छान बुरे वाले, वो छान बुरा आपको पैसे पूछे मिलते रहते हैं, एलओ पकड़ो जी $50 million, एलओ $20 million, चलो जी खुश होना जी, बहुत खुश जो हो मेरे हाथ में। शहजाद इसमें टू राशिद कि आईसीसी जो है ना वो एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, और जो फीफा है ना वो एक गवर्निंग बॉडी है, तो लेजिस्लेटिव बॉडी का मतलब है कि जो फुल मेंबर बोर्ड्स है ना उनका वोट होता है और हर चीज वोट इन होती है। सो ये जो पोलराइजेशन की बात हो रही थी, अब तो खैर वो खत्म हो गई है, जैसा शुएब ने कहा, अब तो सिर्फ आईसीसी से भी सारी पावर शिफ्ट होकर बीसीसीआई के पास आ गई, इवन अब आईसीसी भी एक जो है कंडुइट बन गया है इन द हैंड्स ऑफ द मतलब इंडियन क्रिकेट बोर्ड। अब देख ले वो जो चाहते हैं वो इंटरनेशनली भी इम्पैक्ट कर रहे हैं टूर्नामेंट्स को, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि आपकी 1963 में काम खत्म हो गया था, नस्ल परस्ती वाली साउथ अफ्रीका की बात आ गई थी, लेकिन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के पास क्योंकि दो दो वोट होते थे, उन्होंने 1969 तक साउथ अफ्रीका को इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने दी, हालांकि वो कॉमनवेल्थ से निकाल दिए गए थे, उसके बावजूद खेलने दी गई। इट वॉज जब अपने पे पड़ी इंग्लैंड के, जब बेसिल डी ओलिवेरा को जाने नहीं दिया तो फिर वो खड़े हुए, तो किसने बेल आउट करवाया, पाकिस्तान के बीसीसीबी के प्रेसिडेंट अब्दुल हफीज कारदार ने जाके कहा ये वीटो खत्म करो और बैन करो साउथ अफ्रीका को, आइसोलेशन में आप भेजो तो क्रिकेट की पैरिटी वापस आएगी। तब अगर पाकिस्तान कर सकता था तो अभी भी जिसना बात हो रही है, अगर आप में दम हो और आप में विजन हो तो आप अब भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। आप लोग सारे मिलके एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, इंग्लैंड ने भी कंसीड कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने भी कंसीड कर दिया, साउथ अफ्रीका अपने मसाइल से दो चार है। सो टेक्निकली आईसीसी कहीं घूम गया है और इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो एक आईपीएल लेके चल रही है आपकी पूरी दुनिया की क्रिकेट को। सर दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट एट द सेम टाइम, लेकिन सर जब आप ये जैसे अभी शुएब भाई ने भी बात की कि यार हम तो बेवकूफी बन रहे हैं, लेकिन देन एट द सेम टाइम जहाँ पे हम पाकिस्तानी अवाम की बात करते हैं या क्रिकेट लवर्स की बात करते हैं, क्रिकेट फैंस की बात करते हैं, तो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पाकिस्तान की टीम ने हमें दिया भी कुछ नहीं है, तो फिर आप हमसे भी ना एज व्यूअर भी ना एक्सपेक्ट करें। राशिद भाई इसके ऊपर आप कुछ कॉमेंट कर सकते हैं कि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, 83 में इंडिया जीता और उसके बाद बुरी तरह से हार गया, 87 में ऑस्ट्रेलिया जीता बुरी तरह उसके बाद हारा, फिर श्रीलंका जीता 96 में बुरी तरह हारता हुआ चला गया, तो ये नहीं है कि वर्ल्ड कप जीत गए तो उसके बाद क्या किया। लेकिन अगर हम देखते हैं पाकिस्तान में इस गेम की कितनी वैल्यू है और उस वैल्यू ऐड जो हो गई वो आपके पीएसएल ने कर दी इन बिटवीन 2016 15 16 17 18
आपका पीएसएल हुआ है और काफी स्ट्रॉन्ग पीएसएल हुआ है, फाइनेंशियली तौर पे पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट मिली है, तो उसमें अगर व्यूअरशिप अगर देखेंगे पीटीवी टाइम स्पोर्ट्स जियो सुपर की तो एक्सीलेंट मिलेगी आपको, बहुत ज्यादा मिलेगी, एक महीने लोग उसको देख रहे हैं, इसका मतलब है कि क्रिकेट को बहुत ज्यादा वैल्यू दिया जाता है, इस वजह से आपकी व्यूअरशिप बहुत ज्यादा, टीआरपी बहुत अच्छी है, तो ऊपर नीचे गेम होता रहता है, ठीक है। अब जो दुनिया की जो टीमें बेहतर हो गई हैं, ऑस्ट्रेलिया पहले से बेहतर थी, इंडिया ने जंप लिया है 10 सालों में, फिर इंग्लैंड की टीम बेहतर हुई है वनडे में T20 में, तो कुछ में हम लोग थोड़ा सा नीचे गए, थोड़ा सा क्या काफी नीचे चले गए, लेकिन अगर इसी तरह से मेहनत करते रहे तो वक्त आएगा कि 2-4-8 साल बाद जब भी होगा तो फिर आप चैंपियन किसी न किसी चीज में बनोगे, तो नॉकआउट में कुछ भी हो सकता है, जो भी जिस तरह से आप बायलैटरल सीरीज खेलते हो, जरूरी नहीं है कि वैसे ही आप नॉकआउट टूर्नामेंट खेलोगे, तो जीतने हारने का डिपेंड नहीं करता कि आप पूरा साल कैसा खेले, वो डिफरेंट चीज है, डिफरेंट एटीट्यूड होता है। तो पाकिस्तान की कामयाबी मिली है, 3 दफा कामयाबियां मिली है हिस्ट्री में अगर देखा जाए, 92 का वर्ल्ड कप है, 2009 है, 2016-17 है, कम है वैसे, जैसे पाकिस्तान का एक नाम है उसके लिहाज से आप कम जरूर कह सकते हैं, लेकिन ठीक है आपके शोकेस में ट्रॉफियां मौजूद हैं। अच्छा जबरदस्त हो गया सर, लेकिन इसी में आपने एक बड़ी पते की बात की है सर, मैं कंप्लीट कर लूं कि अगर मेहनत करेंगे तो हम 8 साल में 9 साल में ठीक हो जाएंगे, सवाल यही है क्या हम मेहनत कर रहे हैं? मैं 8-9 के साथ 4-5 भी बोला था शायद, वो आप भूल गए, मेहनत तो यार हाँ लगे हुए हैं, मतलब जितना जिसको आता है लगे हुए हैं और कोशिश तो कर रहे हैं। शहजाद देख लेने से पहले एक चीज बड़ी क्लियर कर लो कि ये जो आपकी कमर्शियल प्रेडिक्शंस हो गई, आप कमर्शियल प्रेडिक्टेबिलिटी हो गई इंटरनेशनल क्रिकेट की, ये जो वल्गर कमर्शियलिज्म आया, राशिद लतीफ ने पहले दिन पहला टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड का देखने के बाद कह दिया था कि ये वेस्ट इंडीज जो है ये ऐसे लग रहा है कि इंग्लैंड हारने के लिए खेल रहा है, यू नो, और जिस वक्त मेरा छोड़ दो डॉक्टर, आपने क्या बोला था ये बताओ, मैं बताता हूँ, ठहरे, दूसरा टेस्ट मैच जब आया तो मैंने राशिद से पूछा था, मैं कहा यार ये जेसन होल्डर ने टॉस जीत के तो उनको क्यों खिला दिया, क्योंकि कहते हैं वेस्ट इंडीज ने हारना है, नाउ दिस इज नथिंग, ये सिर्फ एक इनसाइट है, ये कोई ऐसी प्रेडिक्शन नहीं थी, बट ये कमर्शियल वायबिलिटी देखा करो और ऑड्स की फ्लक्चुएशन देखा करो और फिर लीग्स का इम्पैक्ट देखो इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो बार बार वही बात है जो शुएब अख्तर ने आज कोर बात कर दी है कि आपने इंटरनेशनल क्रिकेट बचानी है वरना 2 वर्ल्ड कप और 12 लीगें ही होंगी, तो इशारा काफी आपके लिए। एग्जैक्टली ऐसे ही है, और खवातीन आजाद इसके साथ हमारा ब्रेक पे जाने का भी वक्त है, लेकिन खवातीन आजाद ब्रेक पे जाने से पहले हमने बहुत लंबी गुफ्तगू की कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप पोस्टपोन हो चुका है, एशिया कप भी पोस्टपोन हो चुका है, और ये वो बातें हैं जो राशिद भाई शुएब भाई डॉक्टर साहब 6 महीने पहले हमें बता चुके थे कि होगा यही, लेकिन जब एक लेजिस्लेटिव बॉडी ने डिसाइड कर लिया है कि उनका वर्ल्ड कप वो पोस्टपोन करेंगे, तो हमारे यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ये कहती है कि पीएसएल के रिमेनिंग मैचेस कराएंगे, लेकिन उसके अंदर एक चीज ये भी हो सकती है कि जो उनके स्पॉन्सर थे उनके पैसों का भी उनके साथ झगड़ा बना हुआ है, वो चाहते हैं कि वो डील भी फॉलो अप हो जाए। शुएब भाई आपसे शुरू करते हैं कि जब आईसीसी अपना T20 वर्ल्ड कप पोस्टपोन कर रहा है कोविड की वजह से, ये सारे मामला कोविड ही की वजह से हो रहे हैं, तो क्या हमें पीएसएल के रिमेनिंग मैचेस कराने चाहिए या नहीं कराने चाहिए? योर टेक ऑन दिस। नहीं कराने चाहिए, पुट योर फुट डाउन। रीजन व्हाई कि आउटब्रेक देखा पाकिस्तान में, हर सेकंड बंदे को हो गया कोविड की नहीं हो गया, ऐसे ही ठीक है, 6,000 डेथ था टोटल, और वो मैंने 3 महीने पहले वीडियो डाली थी आपके डेथ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये डिसाइड कर लें जो टॉप ऑफ द टेबल उसको दे दें, स्पॉन्सर के साथ कुछ नेक्स्ट ईयर की बार्गेनिंग कर लें, नेक्स्ट ईयर की बार्गेनिंग दे दें, उनको एक्स्ट्रा माइलेज दे दें, जो भी है, क्योंकि अभी हालात वाइबल है ही नहीं यार, इज द चैंपियन फॉर दिस ईयर, और अगले साल की बात करें, अब अगले साल में देखें कितने मालकान इधर रहते हैं नहीं रहते, कोई हथे चाड़ी नहीं रहा, कभी एक बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, अब देखो पता नहीं कितनी चीनी बिकती है नहीं बिकती। अच्छा सर, ये सवाल करने का मेरा मकसद राशिद भाई ये था कि अभी हम जो पहले डिस्कशन कर रहे थे उसमें डॉक्टर साहब ने ये कहा कि यूएई में जो हमने एक तो एशिया कप की वजह से स्वैप किया और ये आईपीएल को यूएई लेके जाने की वजह से ये विंडो क्रिएट की गई, तो हमने अभी बीसीसीआई की भी बात की, हमने उनको कहा कि बड़ा स्ट्रॉन्ग बोर्ड है, पोलराइज करते हैं क्रिकेट को, क्या नहीं करते, लेकिन वो अपनी एक जो उनकी सीरीज है उसको बचा रहे हैं, वो आईपीएल को बचा रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि आईपीएल ही चले। शुएब भाई ने भी अभी यही कहा कि यार आईपीएल नजर आएगा आपको, तो क्या हम इस तरह की कोई चीज को कंसिडर नहीं कर सकते थे?